लिए सुरक्षा मापदंड। ऐसा अनुमान है कि अगर कर्मचारी उपयुक्त सुरक्षात्मक परिधान या पीपीई पहने और उनका ठीक से इस्तेमाल करें तो 90% कार्यस्थल चोटों से बचा जा सकता है। इस प्रकार पीपीई चोटों से बचने और उन्हें कम करने का अहम हिस्सा है। इसके लिए इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को पीपीई के सिद्धांत और इस्तेमाल के सही तरीके सीख लेने चाहिए। पीपीई क्या है? पीपीई यानी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक परिधान के तहत वे सब सामान शामिल हैं जिन्हें शरीर के विभिन्न हिस्सों को खतरे से बचाने के लिए पहना जाता है। इनके पहनने से व्यक्ति अनेक खतरों का क्षति से सुरक्षित रहता है। पीपीई को हमेशा स्वयं को खतरा से बचाने के लिए अंतिम सुरक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। अभियंता नियंत्रण और कार्य सुरक्षा प्रणाली हमेशा प्रथम स्थान पर आती हैं। पीपीई के प्रकार। सर से पांव तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के पीपीई होते हैं। विशेष कार्यस्थलों पर पूरे समय पहनने वाले पीपीई होते हैं, जबकि कुछ पीपीई केवल विशेष कार्यों के दौरान ही पहना जाते हैं। कौन से पीपीई पहने ये जानने के लिए पीपीई मैट्रिक्स या फिर साइन बोर्ड जांचें। कार्य को नियमों अनुसार ही करें। पीपीई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पैमानों के अनुसार हो। सिर की रक्षा। सिर सुरक्षा नामक किट सिर को चोट से बचाने के लिए ज़रूर पहननी चाहिए। सुरक्षा हेलमेट उच्च डेंसिटी पॉलीथिलीन का बना हुआ होना चाहिए, जिसमें एडजस्टमेंट करने वाला हेलमेट तथा स्वेट बैंड और चिन स्ट्रैप होना चाहिए। कृपया अपने इलाके के लिए सही रंग का हेलमेट जांच लें। सुरक्षा हेलमेट में बदलाव ना करें और ठीक ढंग से पहने उसका किनारा सामने रखें। नेत्र सुरक्षा। ऐसी सुरक्षात्मक किट हैं जो आँखों को चोट से बचाने के लिए पहनी जाती हैं। अनेक प्रकार के नेत्र सुरक्षा किट उपलब्ध हैं। सुरक्षा चश्मे। एकल लेंस जो पॉलीकार्बोनेट से बना हो और अधिक से अधिक कवरेज के लिए साइड शील्ड और साथ में रिटेनर स्ट्रिंग। स्प्लैश चश्मे। एकल लेंस और फ्रेम जो पॉलीकार्बोनेट का बना हो और जिसमें साइड शील्ड हो। प्रिस्क्रिप्शन चश्मे पहनने वाले व्यक्ति को इन्हीं के ऊपर उपयुक्त चश्मे पहनने चाहिए। चेहरा ढकने वाला हेलमेट। सुरक्षा हेलमेट के साथ पॉलीकार्बोनेट वाइपर जुड़ा हो। वेल्डिंग, कटिंग, चिपिंग, पिसाई आदि कार्यों के समय ऐसे सुरक्षात्मक चश्मे पहनने चाहिए जो चेहरे और आँखों को बचाव कर सके, जैसे डाइडियम चश्मे, चेहरा कवर और वेल्डिंग से बचाव कवर। कृपया नोट करें कि कार्यस्थल पर कॉन्टैक्ट लेंस ना पहनना। श्रवण सुरक्षा। श्रवण सुरक्षा का अर्थ है वह सुरक्षात्मक किट जो मशीनरी के कारण या फिर किसी विशेष गतिविधि के उत्पन्न बहुत ऊंचे शोर से बहरा होने से बचाती हैं। दो प्रकार के श्रवण सुरक्षा साधन हैं। कान प्लग। नर्म धूल से बचाने वाले तथा कानों में ठीक से फिट होने वाले हाइपोएलर्जिक सामग्री से बना कान प्लग जो अनेक प्रकार के कानों के आकार में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकते हैं। कानों के मफ। अनेक प्रकार के कान मफ, कान कुशन, लचीले हेडबैंड जो आसानी से इस्तेमाल हो सकें। श्वास सुरक्षा। श्वास सुरक्षा का अर्थ है वो सुरक्षात्मक किट जो कर्मचारियों को कार्यस्थल पर वायु प्रदूषण से बचा सके। ये दो प्रकार की होती हैं। रेस्पिरेटर जो प्रदूषित हवा को सांस के वक्त अंदर ले जाते हुए साफ कर देता है। रेस्पिरेटर जो आत्मनिर्भर स्रोतों से साफ हवा प्रदान करता है। ऐसे वातावरण में जैसा ऑक्सीजन की कमी है वहाँ विशेष श्वास सुरक्षा के लिए इंतज़ाम किए जाना चाहिए। साथ साथ वहाँ भी जहाँ कार्यस्थलों पर अज्ञात रासायनिक प्रदूषणों की संभावना है। त्वचा सुरक्षा। त्वचा सुरक्षा
पूरे शरीर का खतरों से बचाव है, जाकि कार्यस्थल पर उपयुक्त वस्त्र पहनने से संभव है। कार्यस्थल पर खतरों में शामिल हैं खतरनाक रसायनों से संपर्क, गर्म धातु, चिंगारी, अति ताप के तरल विकिरण, शारीरिक तरल आदि। त्वचा सुरक्षा के प्रकार, बिजली व गैस वेल्डिंग कटिंग ऑपरेशन के लिए शरीर का बचाव। एप्रन जो रबराइज्ड एसिड्स और अल्कलाइन विरोधक होता है। एप्रन एक्सरे लेड रबर सुरक्षात्मक एप्रन। हाथों की सुरक्षा। हस्त सुरक्षा का अर्थ है वो सुरक्षात्मक परिधान जो हाथों को चोट से बचा सके। हाथों और बाजुओं की सुरक्षा के लिए कई प्रकार की सामग्री उपलब्ध हैं। पैर सुरक्षा। पैर सुरक्षा का अर्थ है पैरों को चोट से बचाने के लिए सुरक्षात्मक किट। सुरक्षा जूते। सामान्य तौर पर ये फिसलते नहीं। एसिड तथा हाइड्रोकार्बन रोधक ऊर्जा अंदर ले जाने वाली तली के जूते जो पैरों व अंगूठों की सुरक्षा कर सके और पहनने वाले के पैरों में ठीक से फिट हो जाए। पक्षिशन। लोगों को पक्षिशित करें कि कैसे पीपीई का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। पहनने वाला अपने शरीर के अनुसार उसे डाल सकें। ये सुनिश्चित करें कि पहनने वाले को पता हो कि उसने पीपीई क्यों पहना है, इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी सीमाएं क्या हैं और कब उसकी मरम्मत ज़रूरी है, क्योंकि पीपीई बाकी सभी तरीके इस्तेमाल करने के बाद अंतिम सहारा है, इसलिए इसे हर समय पहनना ज़रूरी है। सुरक्षा चिन्ह इस बारे में निरंतर याद दिलाते रहते हैं। शुरुआती पक्षिशन के अलावा समय समय पर रिफ्रेशर पक्षिशन भी ज़रूरी है। निरीक्षक पीपीई के इस्तेमाल की जांच करते रहे ताकि ये ध्यान रखे कि कभी रिफ्रेशर पक्षिशन की ज़रूरत है। देखभाल व रख रखाव। ये ध्यान रखें कि पीपीई साफ सुथरा हो तथा इस्तेमाल न करते समय सही ढंग से सूखी और साफ अलमारी में रखा हो, या फिर अगर कोई वस्तु है तो डिब्बे में रखा जा सकती है। कर्मचारियों, ठेकेदारियों, अतिथिगणों के लिए पीपीई का पूरा स्टॉक रखें। पीपीई हमेशा आसानी से उपलब्ध रहता है, इसलिए उपयुक्त बदल समय पर सुनिश्चित करें। अक्सर ऑडिट करवाओं ताकि सभी कार्यस्थलों पर पीपीई कार्यक्रम पर्याप्त हो। विभिन्न प्रकार के पीपीई उपलब्ध हैं। मुख्य बात है ये जानना कि कौन सा पीपीई कब पहनना है और इसका ठीक से इस्तेमाल कैसे करना है। अपने विभाग के इलाकों और गतिविधि विशेष मैट्रिक से परिचित रहें। पीपीई पहने, क्षति से बचें, सुरक्षा की गलत फहमियाँ से बचें, सावधानी बरतो, सुरक्षित रहो।